नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। दोस्तों, आंतों में सूजन की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गई है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आंतों में सूजन की कंप्लेंट्स लेके आते हैं। मरीजों की शिकायत ज़्यादातर ये रहती है कि उनका पेट हमेशा फूला रहता है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द रहता है, थोड़ा सा भी खाना खाने पे उनका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, भूख नहीं लगती है। तो जनरली ये कंप्लेंट्स लेके हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। अब अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो हो सकता है आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS हो। दोस्तों, IBS एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ आजकल हो गया है। इसका कारण ये है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल होना, आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जो जिसकी वजह से आपकी आंतों में सूजन बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत कम मात्रा में आप सलाद लेते हैं डाइट में, और आप फाइबर की मात्रा जो है वो डाइट में बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्तों, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम का एक मुख्य कारण है। अगले जो कारण है वो ये है कि आप हाई फैट डाइट ले रहे हैं, रिच डाइट ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फैट की मात्रा है, तो उसकी वजह से आंतों में सूजन हो जाती है, पाचन जो है वो आपका कमज़ोर हो गया है और पेट में बहुत ज़्यादा गैस रहती है। लिवर की अगर आपको प्रॉब्लम है तो लिवर की डिसफंक्शन की वजह से भी डाइजेशन अफेक्ट होता है और आंतों में सूजन की प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज बहुत ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत मात्रा में आप अगर इंटेक कर रहे हैं, अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, तो भी आपको आंतों में सूजन और फैटी लिवर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, फैटी लिवर और आंतों में सूजन की समस्या से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सलाद लेना चाहिए और आपको खाने में फाइबर जो है ज़्यादा लेना चाहिए और फैट को कम करना चाहिए। जितना आप कम मात्रा में फैट लेंगे, हल्का खाना लेंगे, उतना जल्दी ही आपका डाइजेशन अच्छा होगा और आपका खाना आसानी से पच जाएगा, कब्ज़ की समस्या नहीं रहेगी। और अगर कब्ज़ की समस्या नहीं रहेगी तो फिर आपको आंतों में सूजन की प्रॉब्लम कम होगी, नहीं होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आंतों में सूजन की समस्या में कौन सी हम होम्योपैथिक मेडिसन्स ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको IBS की प्रॉब्लम है तो फिर आपको कौन सी होम्योपैथिक मेडिसन्स सूटेबल रहती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, IBS के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी की मेडिसन है वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों, लाइकोपोडियम एक डीप एक्टिंग मेडिसन है। ये जनरली उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, गैस बहुत ज़्यादा रहता है, गैस बहुत ज़्यादा मरीज को बनती है, पेट हमेशा फूला हुआ रहता है, थोड़ा सा भी खाना खाने पर उसको बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, तो खाना खाना वो बीच में ही छोड़ देता है और पेट में बहुत ज़्यादा गैस होने की वजह से उसको पेट में दर्द रहता है। गैस पास होती है पर गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पास नहीं हो पाती है, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है और उसको कब्ज़ की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। ड्राई स्टूल्स होते हैं तो आपको जो लैट्रिन है वो बहुत ज़्यादा टाइट आती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पर ही स्टूल पास हो पाते हैं। मरीज़ को भूख नहीं लगती है और उसको जनरली 4 to 8 PM एग्रेवेशन होता है। तो जैसे ही शाम होती है 4 बजे के आसपास, उसको 5 बजे उसको ये एग्रेवेशन हो जाते हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, उसको खट्टी डकारे आती हैं, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है और उसका खाना खाने का मन नहीं करता। मरीज़ का वज़न भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। मरीज़ को पेट में गैस रहती है और उसको मीठा खाने की बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, तो स्वीट्स उसको क्रेविंग रहती है। तो जितना ज़्यादा मरीज़ मीठा खाता है और उसको पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो अगर ऐसे मरीज़ को हम लाइकोपोडियम देते हैं तो उसको जो ना केवल डाइजेशन इम्प्रूव होता है बल्कि जो इंटेस्टाइन है उसमें भी स्वेलिंग ख़त्म होती है, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है और इंटेस्टिनल मोटिलिटी इम्प्रूव होती है। तो मरीज़ को हम लाइकोपोडियम जब भी देते हैं तो जब उसमें ये इंडिकेशंस होती हैं तभी लाइकोपोडियम काम करती है। दोस्तों, लाइकोपोडियम एक डीप एक्टिंग मेडिसन है, इसको हमेशा सावधानी से लेना चाहिए और डॉक्टर के ही अंडर में आपको उसको मेडिसन्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो करेक्ट डोज दी जाती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़। दोस्तों, किसी अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक की देखरेख में ही आपको होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि लाइकोपोडियम और बहुत सारी होम्योपैथी की ऐसी मेडिसन्स हैं जो कि बहुत डीप एक्टिंग मेडिसन रहती हैं, जिसकी सिंगल डोज भी काफ़ी महीनों तक एक्ट करती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन ले लेते हैं तो आपको क्योर होने की बजाय डिसीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है, वर्स हो जाता है, तो फिर आपको लगेगा कि आपको जो बीमारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका कारण यही होता है कि आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में
होम्योपैथी की दवा जो है वो ली है, तो मेडिसिनल एग्रीवेशन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगली जो होम्योपैथी की मेडिसन है जो IBS में हम जनरली देते हैं वो है सल्फर। दोस्तों सल्फर एक बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसन है, ये इंटेस्टाइन पे बहुत अच्छा काम करती है, इंटेस्टाइन की स्वेलिंग को ख़त्म करती है। अब सल्फर का जो मरीज होता है उसको बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है और गैस बहुत ज़्यादा पास होती है। अब उसको गैस में जो पास होती है तो बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, तो स्मेल आपको रहती है और बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है। अब जब गैस पास होती है तो उसको बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है उसमें से। अब स्मेल के साथ साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, तो मरीज़ के अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और ऑफेंसिव फ्लेटस रहता है, तो हम ऐसे मरीज को सल्फर दे सकते हैं। सल्फर में जनरली 11 AM एग्रेवेशन रहता है, तो 11 बजे के आसपास मरीज को बहुत तेज़ भूख रहती है, वो भूख को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको स्वीट्स की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहती है, तो हम ऐसे मरीज को सल्फर दे सकते हैं। सल्फर देने से ना केवल कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव होता है बल्कि इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी इम्प्रूव होती है और उसके साथ साथ डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो मरीज को सल्फर देने से IBS कंट्रोल हो जाता है और क्योर हो जाता है। दोस्तों इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के लिए होम्योपैथिक मेडिसन्स बहुत अच्छा काम करती हैं, ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम काफ़ी अगर क्रॉनिक अगर रहता है तो फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम IBD में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के अंदर। अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में स्वेलिंग के साथ अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। अब अल्सर फॉर्म होने की वजह से जो पेट में दर्द है वो हमेशा बना रहता है, मरीज को स्टूल पास करने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहती है, वो दिन में 4-5 बार स्टूल पास करने के लिए जाता है और मरीज को हमेशा पेट में दर्द रहता है और पेट हमेशा फूला रहता है, वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है, मरीज़ को भूख नहीं लगती है, तो इसीलिए समय रहते ही IBS का आपको इलाज ज़रूर करवा लेना चाहिए। अगर IBS लंबे समय तक रहता है तो फिर आपको कोलोन कैंसर भी हो सकता है, आंतों की आपको कैंसर की समस्या भी हो सकती है, तो इसीलिए ही समय रहते आपको अपना इलाज करवा लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सल्फर और लाइकोपोडियम केवल दो होम्योपैथी के मेडिसन हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए, और भी बहुत सारी होम्योपैथी के मेडिसन्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में दी जाती हैं, पर कॉमन इंडिकेशंस के हिसाब से मैंने आपको ये मेडिसन्स बताई हैं। दोस्तों मेरी सलाह आपको ये है कि हमेशा कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि जो डॉक्टर आपके जो केस चेकिंग लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, अब वही मेडिसिन डिसीज़ को क्योर कर सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे सवाल अपने पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब देने की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।